अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। तो दोस्तों, इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। जी हाँ, वीडियो बनाते समय आप लोग के कमेंट का आंसर भी इस वीडियो में किया जाएगा। देखिए, काफी बच्चे यहाँ पर कमेंट्स कर रहे हैं। जी हाँ, और काउंसलिंग की डेट, स्टेट रैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कुछ बच्चों के लिए, तो हर एक बच्चे का कमेंट का आंसर इस वीडियो में किया जाएगा, जितने बच्चों ने कमेंट्स कर रखा है। ठीक है, कमेंट की भी यहाँ पर एक लंबी लिस्ट है, एक दो बच्चों के कमेंट्स यहाँ पर नहीं रहेंगे, ढेर सारे बच्चे हैं। और कुछ और इम्पोर्टेंट बात हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अभी आपको फाइनल रूप से तैयार रखने, चेक लिस्ट ये ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है ना, इसके बिना आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर आपने सिर्फ आवेदन कर दिया, आपने सोच रहे होंगे 700 रुपये जमा कर दिए, 500 रुपये जमा कर दिए, तो उसके बाद हमारा DLED में एडमिशन कन्फर्म है, ऐसा DLED में नहीं होता। ठीक है, ये BEd का कोर्स नहीं है, कुछ और कोर्सेस नहीं है कि आपको एडमिशन मिल ही जाएगा। लास्ट टाइम में भी आपका एडमिशन कैंसिल किया जा सकता है, और यहाँ पर पिछले वर्षों में ऐसा हो भी चुका है। किन गलतियों की वजह से होता है, कौन सी ऐसी गलती है जिसकी वजह से आपका एडमिशन रद्द हो सकता है, उसको भी हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो कुछ बच्चे काफ़ी होशियार हैं, लेकिन फॉर्म भरते समय उनसे गलती हुई, जो कि हमने पहले ही आपको बताया था कि गलती होगी। और देखिएगा आप लोग, अभी भी कुछ बच्चे बिल्कुल परेशान हो रहे हैं, सब्र टूट रहा है, तो देखिए सब्र करना सीख लीजिए, नौकरी में बहुत ही काम आएगा आपका सब्र। ठीक है, डायट कॉलेज की कट ऑफ क्या जाएगी, उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस, फॉर्म में अगर आपसे गलती हो गई तो क्या अब सुधारा जा सकता है, तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। जी हाँ, फॉर्म भरते समय अगर आपने कोई गलती की है तो उसको अब सुधारा नहीं जा सकता। तो पहला कमेंट देखते हैं, सर आपको कुछ आइडिया है कि DLED की काउंसलिंग कब होगी, मेरी ट्रिप है 16 को। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो फिलहाल आपको बताना चाहेंगे, अब हमारा अगला जो प्रोसेस है, इस वीडियो क्या तो आप 7 तारीख को देख रहे होंगे, तो 6 तारीख को रात में, तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है अब वो स्टेट रैंक का, ठीक है, आना है। अब स्टेट रैंक आपकी जारी की जाएगी, देखिए बिना स्टेट रैंक के आपकी काउंसलिंग नहीं हो सकती, तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, सब कुछ ऑनलाइन होगा, घर बैठे आपको सब कुछ कर सकते हैं। जो भी आपका स्टेट रैंक आएगा उसको आप घर बैठे डाउनलोड कर पाएंगे। कैसे डाउनलोड करना है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ ध्यान रखना है, उसको लॉगिन करके आप अपनी स्टेट रैंक डाउनलोड कर पाएंगे। स्टेट रैंक आपका दिखेगा कैसा, आपका बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा, पिछले साल स्टेट रैंक रिजल्ट 2023 का देख सकते हैं, जहाँ पर आपका नाम, पिताजी का नाम, जेंडर, कैंडिडेट की कैटेगरी और आपके यहाँ पर स्टेट रैंक की डिटेल, तो ऐसे आप अपना स्टेट रैंक देख पाएंगे। उसके बाद क्लिक हियर टू पे सीट अलॉटमेंट फीस फॉर चॉइस फिलिंग, ठीक है, उसके बाद आगे का प्रोसेस था। ठीक है, स्टेट रैंक या तो PDF के रूप में ऐसे ही आपके सामने आएगी। ठीक, तो घर बैठे आपकी स्टेट रैंक भी आएगी, ऑनलाइन काउंसलिंग भी हो जाएगी, फाइनल जो DV रहेगा आपका, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके लिए तो आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, वो घर बैठे नहीं होगा, तो वहां पर आपको, ठीक है, हार्ड कॉपी लेके जानी पड़ेगी, सॉफ्ट कॉपी से काम नहीं चलेगा। याद रखिएगा, जो ये वाली नोटिस है ना, इसका मतलब है कि आपको हार्ड कॉपी वहां पर लेकर जाना है। अलॉटमेंट लेटर, ये आपको 200 फाइनल 5000 प्लस 5000, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ना 10000 रुपये देने के बाद मिलेगा। आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, आवेदन पत्र कौन सा है आपका, ये वाला DLED प्रशिक्षण 2024 रजिस्ट्रेशन, इसका प्रिंट आउट। ठीक, दो चीजें हो गई, रजिस्ट्रेशन पत्र का ये तो हटाइए, इसको वैकल्पिक को हटा देते इसको, ठीक है, हाई स्कूल का रिजल्ट और प्रमाण पत्र, ठीक है, इंटरमीडिएट का रिजल्ट प्रमाण पत्र, स्नातक का अंक पत्र हुआ प्रमाण पत्र अथवा प्रोविजनल, ठीक है, अब प्रमाण पत्र तो नहीं होगा अभी आपके पास, सर्टिफिकेट डिग्री नहीं आई ना, तो प्रोविजनल से काम चलाएंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद देखिए, निवास प्रमाण पत्र प्रवेश की तिथि तक निर्गत मान्य रहेगा, जाति प्रमाण पत्र विवाहित महिला की स्थिति में पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए, EWS अगर आपकी कैटेगरी है तो आप बनवाएंगे, नहीं तो नहीं बनवाएंगे, दिव्यांग है तो बनवाएंगे, नहीं तो नहीं, भूतपूर्व सैनिक या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रमाण पत्र अगर आप हैं तो ही बनवाएगा। बाकी देखिए, आप 10000 ऑनलाइन पेमेंट कर चुके होंगे, ठीक है, बाकी बाद में 200 रुपये बचेगा जिसको आप DD के माध्यम से या कॉलेज में जाकर देना है। पहचान है तो आवेदन पत्र में अंकित विवरण के अनुसार, जैसे हमने बोला, अगर आपने पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर ID जो भी डाल रखा है ये, तो वो देंगे, एक आधार कार्ड की आपकी, ठीक है, 2 या 3 कॉपी इधर भी लग जानी है। शपथ पत्र लगेगा निर्धारित प्रारूप में, तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगने हैं। ये विज्ञप्ति दोस्तों काउंसलिंग के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी तो आपको सबसे पहले रैंक 1 से लेकर 20000 तक के बच्चों को मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, सबको एक बार में काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया जाता है।
तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो फिलहाल एक बार हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट्स को जरा देख लेते हैं कि क्या अपडेट्स हैं। यहाँ पर देख सकते हैं dlaresult.com पर एकदम क्लियर डिटेल्स रहती है। यहाँ पर देख सकते हैं 7 नवंबर 2024 तक की अपडेट्स का। बाकी वेबसाइट देखिए, इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज, यहाँ पर देख सकते हैं 25 अक्टूबर लास्ट डेट टू सबमिट कंप्लीट रजिस्ट्रेशन या जो भी प्रिंट था। और यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन, जहाँ पर नो योर रैंक पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों चेक शेड्यूल एक्टिविटीज क्लोज्ड ऐसा आपको शो हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग वीडियो में वापस आते हैं और यहाँ पर और बच्चों के कमेंट्स को पहले देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे वीडियो में बढ़ेंगे। अगला कमेंट देखिए, सर बच्चों की जान अटकी हुई है, आप एक ही कंटेंट पर वीडियो बनाते हैं, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, सब कुछ सही हो जाएगा। कौन कौन कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट से करने वाला? चलिए ठीक है, 223 नंबर है मेरा, तो 223 नंबर में प्राइवेट कॉलेज के चांस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। सर आप कैसे बताते हैं 235-37 मार्क्स हैं, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा प्राइवेट, कैसे ऐड करेंगे, किस किस का? देखिए आपको जो ऐड करना है ना, कैसे नंबर आपको निकालना है ये समझ लीजिए। जो आपने फॉर्म भरा होगा, जो इसका आपने रजिस्ट्रेशन विवरण या प्रिंट इसका आपने निकाला होगा PDF, तो यहाँ पर देखिए हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन, यहाँ पर देखिए परसेंटेज लिखा है ना 79, 71, 77 पॉइंट में भी, सब सबको ओवरऑल आपको जोड़ लेना है। ठीक है, इस तरह हो जाएगा। चलिए अगले कमेंट्स को देखते हैं। इस बार खाली जाएगा, किसी का एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, सही, सभी लोग अपना कहीं ना कहीं एडमिशन ले लें, एक ही बात रोज रोज। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, आपको एडमिशन मिलेगा, तो सब्र रखिए, सब कुछ होगा। सर यूपी से हूँ, मेरा ग्रेजुएशन 4 सेमेस्टर माइनर सब्जेक्ट में बैक लगा है। ठीक है, एडमिशन होगा कि नहीं? तो एक बार देखिए, अगर आपकी कहीं बैक वाली, देखिए हमने आपको पहले बता दिया था, अगर किसी के रिजल्ट में बैक लगा या फेल है तो एक बार आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना, आपके 241 नंबर अगर हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज आराम से मिल जाएगा। तो एक बार आप जाकर डायट में बात कर लीजिएगा, तभी आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिएगा, नहीं तो 10,000 रुपये, एक भी रुपये आपका रिफंड नहीं होगा। प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कैसे होता है? रजिस्ट्रेशन के बाद या काउंसलिंग अटेंड करनी होगी? बिल्कुल, काउंसलिंग आपको अटेंड करनी पड़ेगी। नहीं अटेंड करना है तो आप सीधे कॉलेज से एक बार जाकर संपर्क करिए। भाई ये परसेंटेज 10th 12th और ग्रेजुएशन का सभी को एक साथ ऐड किया जाता है ना, बिल्कुल आप ऐड मत करिए। आपका जो फॉर्म भरा है ना उसमें क्लियर लिखा है, जैसे कि हमने अभी दिखाया था। सर मैंने इंटर की जगह पॉलिटेक्निक से अप्लाई किया है, मेरी रैंक आएगी या नहीं? देखिए अगर आपने फॉर्म फिल किया तो डेफिनेटली आपकी रैंक आएगी, 12th वालों को अभी एडमिशन दिया जाएगा। अभी सब्र करिए, पता चलेगा 183% जनरल हो गया या नहीं। सर तो देखिए 183 में आपकी स्टेट रैंक 2,40,000 के ऊपर जा सकती है, तो फिर आपका डायरेक्ट एडमिशन के चांसेस रहेंगे। सर मेरा 117 है, 117 में तो आपको भैया कॉलेज ही नहीं मिलेगा। सर अब कुछ नहीं करेंगी सरकार, सरकार कुछ ना कुछ करेगी, सब्र करिए। सर मेरा 163 है, तो मेरिट आपकी 2,40,000 ऊपर जा सकती है। सर मेरा PH कैटेगरी 199, जी हाँ आपको चांस मिलेगा। नहीं आपका रैंक थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। सर एडमिशन कब तक शुरू हो जाएगा? ठीक है, उम्मीद है कि वही 12वीं क्लास वाला मैटर फंस रहा है, नहीं तो अब तक शुरू हो जाता। सर मेरा 244 है, जी आराम से डायट मिलेगा। सर मेरा 239 है, जी हाँ डायट मिल जाएगा। सर मेरा 229 बनना है, मुश्किल रहेगा, थोड़ा सा चांस बनेगा भी। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, बाकी वीडियो में हमने आपको डॉक्यूमेंट्स की इंपॉर्टेंट लिस्ट बता दी है। आपकी पहली काउंसलिंग की प्रक्रिया 17 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक थी, 16 अक्टूबर को आपकी मेरिट लिस्ट आनी थी। तो अब ध्यान दीजिए, जिस दिन भी आपकी मेरिट लिस्ट आएगी उसके जस्ट अगले दिन से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। क्या DLED की डेट एक बार और एक्सटेंड हो सकती है? जी हाँ, काफ़ी दिन बीत चुके हैं, काफ़ी बच्चों का रिजल्ट भी आया होगा इस बीच, तो PNP को कुछ ना कुछ तो देखिए करना चाहिए, तो ये डेट एक्सटेंड कर दें या तो आगे का प्रोसेस शुरू करें। ठीक है, बाकी स्टेट रैंक अब ये किसी भी वक्त आ सकती है, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। बाकी काउंसलिंग का शेड्यूल जो भी होगा सब कुछ हम लोग देखेंगे। फिलहाल 12वीं पास छात्रों के साथ ऐसा धोखा हुआ कि उन बच्चों को कोर्ट का आदेश था, मौका मिलना चाहिए लेकिन मौका नहीं मिला। मिलते हैं एक और वीडियो में। 230 प्लस जनरल कैटेगरी, EWS OBC, 225 प्लस, 80 में 215 प्लस, बाकी में 200 प्लस। ठीक है, फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।